इसराइल और हमास के बीच संघर्ष के बाद सारी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, क्योंकि ये जंग जितनी लंबी खिंचेगी इसका दायरा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ज्यादातर मुस्लिम देश इसराइल के खिलाफ हैं और वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इसीलिए इसराइल को रोकने की खातिर अब मुस्लिम देशों का संगठन OIC एक्टिव हुआ है। कमान सऊदी अरब ने संभाली है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी है। उसी के कारण मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका का दबदबा है। यानी इसराइल और हमास के युद्ध के बीच अब दुनिया की तस्वीर और हालात बड़ी तेजी से बदलते हुए दिखने लगे हैं। पहले जॉर्डन की राजधानी अम्मान में, फिर कतर की राजधानी दोहा में, अगले दिन सऊदी अरब की राजधानी रियाद, फिर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में, अगले दिन मिस्र की राजधानी काहिरा का दौरा और फिर लौटकर इजराइल में पीएम नेतन्याहू से मुलाकात। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के लिए चुनौती बन गई है। तो वहीं मिडिल ईस्ट के हालात अमेरिका का सिरदर्द, इसका जीता जागता सबूत है अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, क्योंकि इसराइल हमास युद्ध अमेरिका के लिए दोधारी तलवार साबित हो रहा है। एक तरफ अमेरिका इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा है, उसे हर तरीके की सैन्य और रणनीतिक मदद मुहैया करवा रहा है, तो दूसरी ओर अरब देशों से सीधा संपर्क साध रहा है, ताकि इस युद्ध के बाद अरब और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरियों पर भी लगाम लगाई जा सके। As the US Secretary of Defense, I am here in person to make something crystal clear. इसराइल के मुद्दे पर अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि अमेरिका इसराइल के साथ है और आगे भी मजबूती से खड़ा रहेगा। इसी के बाद अरब देशों और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ गया, जिसकी बानगी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में दिखी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ब्लिंकन को सऊदी प्रिंस सलमान से मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। आखिरकार दोनों की मुलाकात हुई, जिसमें सऊदी प्रिंस ने अमेरिका से अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया, साफ साफ कह दिया मौजूदा हालात में अमेरिका का स्टैंड गलत है, इसराइल को गाजा पर आक्रमण रोकना होगा और इसराइल तत्काल अपनी सेना वापस बुलाए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। वॉशिंगटन ने मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को रोका और शांति प्रक्रिया पर अपने नियंत्रण के लिए इसराइल की नीतियों को फिलिस्तीन और अरब देशों पर थोपा, जिसके बारे में हम लगातार बताते रहे हैं। अमेरिका और अरब देशों के बिगड़ते संबंधों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहते हुए और हवा दे दी कि मध्य पूर्व में अमेरिकी नीति नाकाम हो चुकी है। पुतिन ने ताजा संघर्ष के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ये साफ है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नीति नाकाम हो चुकी है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका व्यवहारिक रूप से इस मुद्दे को हल करने के लिए पिछले अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से दूर चला गया है। उसमें कई देश शामिल थे, रूस भी उनमें से एक था। दरअसल जितनी तेजी से इसराइल हमास संघर्ष बढ़ता जा रहा है, उतनी ही तेजी से विश्व स्तर पर हालात भी बदलते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथ दांव पर है, अगर हालात काबू में नहीं आए तो अमेरिका की पकड़ इस इलाके पर कमजोर पड़ सकती है और फिर मिडिल ईस्ट अपने हिसाब से नया वर्ल्ड ऑर्डर भी तय कर सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।